तो फाइनली हम डी मार्ट पहुँच गए और ये हमारा दूसरा व्लॉग है। तो मैंने कहा था जैसे कि मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, तो ये आज का मेरा जो दूसरा वीडियो रहेगा। और हम चलेंगे सीधा अभी अंदर। तो फाइनली हम डी मार्ट पहुँच गए और ये हमारा दूसरा व्लॉग है। तो मैंने कहा था जैसे कि मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, तो ये आज का मेरा जो दूसरा वीडियो रहेगा। और हम चलेंगे सीधा अभी अंदर। तो हमें यहाँ से जाना है अंदर, जहाँ पर पहले ही गेट में चेकिंग होती है। तो यहाँ से चले भी अंदर। बजाज का है ना।
शॉपिंग करने के लिए। ये लिए ना अपन ने, शॉपिंग हो ही गई हमारी और ये आ गया डी मार्ट के बाहर। तो ये बिल है हमारे हाथ में, ज़्यादा कुछ नहीं, दो दूध के पैकेट और एक फ्रूटी का बॉटल लिया है। और अब यहाँ से कहते हैं टाटा और बाय बाय डी मार्ट को, अब चलेंगे सीधा घर। बहुत कर लेंगे हमने शॉपिंग, कब से आए थे भाई, टाइम पास ज़्यादा हो गया पर मज़ा आया भाई। खाली पीली हो ना तो डी मार्ट में आके घूमो भाई, दिन भर पूरा ठंडा ठंडा, गर्मी का एक कुछ भी एहसास नहीं होगा, सब ठंडा ठंडा ही लगेगा। और फिलहाल में हम आगे अपने गाड़ी के पास सब चलते हैं। और ये रहा हमारा बिल, हमने शॉपिंग की है भाई, ऐसा कि नहीं कि हम टाइम पास करने घूमने आए थे, हमने शॉपिंग की, ज़्यादा नहीं पर 201 रुपए का हमने सामान खरीदा बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा। तो ये है कुछ डी मार्ट का सीन, और ये पार्किंग लेआउट है, ये पार्किंग लेआउट है, और ये डी मार्ट का पूरा बाहर का जो सीन है ये दिख रहा है। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग और टू व्हीलर पार्किंग होती है, और फोर व्हीलर सेक्शन वो उधर साइड है, फोर व्हीलर उधर पार्क होती है। तो आपको कैसे ट्रॉली वगैरह चीज़ शॉपिंग के लिए आते हो तो वहाँ एंट्री गेट पे आपको ट्रॉली वगैरह मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी, टाटा।